नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। मुकेश अंबानी देश के सबसे धनी आदमी और साथ ही विश्व के धनी लोगों की सूची में उनका नाम आता है। और हाल ही में उनके घर के बाहर जो एक कार मिली है जिसमें विस्फोटक सामग्री थी और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी हत्या का प्रयास किया जाने का प्रयत्न किया गया था। और ये लेकर देश भर में एक चर्चा छिड़ गई है, बहस छिड़ गई है कि सबसे अमीर आदमी की सिक्योरिटी में ये लैप्सेस हुए हैं। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है और गहराई तक जानना चाहता है कि ऐसा कैसे हुआ, कैसे एक कार उनके घर के बाहर खड़ी मिली जिसमें विस्फोटक सामग्री थी। और इस तमाम बातों पर चर्चा हमने की है फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देसवाल जी से। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप खुद एक फेमस डिटेक्टिव और इस तरह के केसेस आपके पास आते ही रहते होंगे। इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस, चाहे वो मर्डर मिस्ट्री हो, चाहे इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो, आपके पास ऐसे केस आते होंगे। पूरे मामले में के बारे में अगर हम आपकी राय जानना चाहें तो आपको क्या लगता है, अगर आप विस्तार से शुरू से इस मामले के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। मुकेश अंबानी के रेजिडेंस एंटीलिया के पास पाई गई स्कॉर्पियो जिसके अंदर विस्फोटक सामग्री थी और धमकी भरा खत था, एक सीनियर पुलिस अधिकारी मुंबई के सचिन वाजे, एक इनोवा जो इस पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी, और सबसे बड़ी बात जो CIA की यूनिट है मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर, वहाँ पे जहाँ सचिन वाजे बैठते थे अपनी टीम के साथ, वहाँ पे एक मर्सिडीज पाई जाती है NIA की इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और वो मर्सिडीज सचिन वाजे यूज करते थे और सचिन वाजे की जो ये मर्सिडीज थी, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसके अंदर सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीजें जो मिलती हैं, जो सचिन वाजे को इस पूरे एपिसोड में जोड़ती हैं, नंबर वन 1.6 लाख उसके अंदर कैश, नोटों को गिनने वाली मशीन। नोटों को गिनने वाली मशीन एक पुलिस अधिकारी के गाड़ी के अंदर क्या कर रही है? नंबर प्लेट, कौन सी नंबर प्लेट? वो नंबर प्लेट जो एंटीलिया के पास स्कॉर्पियो पाई गई थी उसकी ओरिजिनल नंबर प्लेट उस मर्सिडीज के अंदर, वहां क्या कर रही है वो? ये सारे के सारे एविडेंस कहीं ना कहीं सचिन वाजे के खिलाफ जाते हैं और साफ पता लगता है कि सचिन वाजे इसके अंदर इन्वॉल्व है और सचिन वाजे के पीछे कोई बड़ी शक्तियां इन्वॉल्व है, क्योंकि सचिन वाजे एक ऐसे अधिकारी जो अकेले सब कुछ करना चाहे। NIA की अपनी इन्वेस्टिगेशन से कोई दो राय नहीं, काफी पुख्ता सबूत मिले हैं जिस सबूतों के भया पे हम कह सकते हैं कि सचिन वाजे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमें ऐसा लगता है, ऐसे डिटेक्टिव, ऐसे इन्वेस्टिगेटर, कि कुछ ऐसे सबूत और हैं जिनको अगर NIA इन्वेस्टिगेशन के दौरान लेकर आए तो काफी पुख्ता सबूत मिलेंगे सचिन वाजे के खिलाफ। जिस हम स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं, वो स्कॉर्पियो किसकी थी? वो मनसुख हिरेन, जो कि सचिन वाजे के दोस्त थे, उनकी थी। तो बहुत ही बारीकी से एक एक बात यहाँ पर संजीव देसवाल ने रखी है सामने, क्या क्या चीजें मिली है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हो सकता है और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन। उनका इंडिकेशन जो है ये कहना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन अगर पुख्ता की जाए तो जरूर कहीं ना कहीं जो ये कड़ी चल रही है ये आगे तक पहुंचेगी। और आपको बता दें कि विपक्ष में जो BJP के नेता है वहां पर, उन्होंने भी इस तरह का इशारा किया है कि पुलिस ऑफिसर की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं तार कहीं और जुड़े हुए हैं। और यही बात यहाँ पे संजीव जी कह रहे हैं कि इसकी जो जांच है वो बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए, कोई भी सबूत जो है, एक एक सबूत जो है पुलिस को सामने रखना चाहिए। संजीव जी, यहाँ पर ये भी देखने में आया जो पार्किंग है सोसाइटी वाजे की, जो नाम आ रहा है उनका, उसमें ये कार खड़ी रही, इस तरह के सबूत मिले हैं, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? ये सचिन वाजे के पास थी और सचिन वाजे की सोसाइटी की पार्किंग में ये पार्क थी गाड़ी, और सचिन वाजे ने इस रिकॉर्ड्स को मिटाने के लिए वहां की DVR को किसी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर वहां से ले जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके अंदर जितना डाटा था उसको सबको डिलीट कर दिया, जिससे ये पता ना चले कि वहां पे वो कभी भी स्कॉर्पियो खड़ी हुई थी या पार्क हुई थी। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपने फिंगरप्रिंट्स को कहीं भी रखते हैं हल्के से भी प्रेशर से, तो वहां पर निशान आ जाते हैं। तो क्या आपको नहीं ऐसा लगता कि अगर ये स्कॉर्पियो सचिन वाजे की पार्किंग में, जो सोसाइटी की पार्किंग है, वहां पे अगर पार्क थी तो इसके टायर प्रिंट मिलेंगे, और इन टायर प्रिंट्स को अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट, पुलिस के फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, अगर वहां से इसको लिफ्ट करके उस स्कॉर्पियो से मिलाएं जो स्कॉर्पियो एंटीलिया के पास पाई गई है, हमें पूरी उम्मीद है कि ये 100%
जो प्रिंट्स हैं वहाँ मिलेंगे। ये अपने आप में इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है जो कि इतना पुख्ता सबूत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, और कोर्ट में ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस बनेगा सचिन वाजे के खिलाफ। नंबर टू जिस पे हम ध्यान दिलाना चाहते हैं एक इन्वेस्टिगेशन टीम का, एनआईए का, कि क्या मैपिंग की गई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि सचिन वाजे यहां रहते हैं, उनका ऑफिस जो है हेडक्वार्टर पुलिस का वो यहां पे है, इंटेलिया यहां पे है, इस पूरे 5-10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, इन दिनों के अंदर इनोवा जब ट्रैवल कर रही थी, जब मर्सिडीज ट्रैवल कर रही थी, जब स्कॉर्पियो को वहां लाया जा रहा था, कौन लोग आ रहे थे, कौन लोग लेके आ रहे थे, क्या सचिन वाजे थे, क्या सचिन वाजे के नीचे काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स थे, क्या उनकी मोबाइल की लोकेशन, क्या ये पूरी मैपिंग की गई है? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। संजीव जी का कहना है कार लाई भी गई होगी, ले जाई भी गई होगी पार्किंग स्लॉट से, सीसीटीवी फुटेज है वो मिटा दी गई है, लेकिन और बहुत से सबूत मिल सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स की बात यहां पे उठाई है उन्होंने कि कार की जब खोलते हैं बंद करते हैं तो तमाम तरह के फिंगरप्रिंट्स आते हैं। ऐसे में पुलिस का काम जो एनआईए लग गई है उसका काम और ज्यादा जो है संजीव जी कहते हैं कि डीप होना चाहिए, जिससे कोई भी किसी भी तरह की जो बात है वो मिस ना हो जाए पुलिस से। और अगर पुलिस वाले इसमें दोषी हैं तो सजा जरूर मिलनी चाहिए, और एक लेसन है एक जो जाएगा इससे पुलिस वालों में, वो शायद ये समझकर क्राइम किया होगा कि बहुत ही स्मार्टली हम एक्ट कर देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये मिस्ट्री सॉल्व होती है तो एक लेसन पुलिस वालों को भी जाएगा और उन पढ़े लिखे लोगों को भी जाएगा कि आप चाहे जितने भी समझदार हो, अगर आप अपराध करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई छोटे से छोटा सुराग पकड़कर पुलिस आप तक पहुंच सकती है। संजीव जी मैं ये भी जानना चाहूंगी कि तीन कारों का बहुत ही अहम जिक्र है इस पूरे एपिसोड में अगर देखा जाए, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। क्या ये पूरी मैपिंग की गई है जो ये बात प्रूव कर सके कि ये तीनों गाड़ियां सचिन वाजे या सचिन वाजे के साथ रहने वाले पुलिस ऑफिसर्स यूज कर रहे थे? ये अपने आप में बहुत इन्वेस्टिगेशन के बहुत ही डीप पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर पुलिस को काम करना चाहिए, एनआईए को काम करना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारी अगर इस तरीके की हरकतों में इन्वॉल्व पाए जाएंगे तो पुलिस पे आप कैसे विश्वास करेंगे? इसलिए हमें लगता है कि एनआईए को इन्वेस्टिगेशन इतनी डेप्थ में ले जानी चाहिए और हर हालत में ये प्रूव करना चाहिए कि सचिन वाजे अगर इन्वॉल्व हैं तो किस बेस पे इन्वॉल्व हैं और उनके खिलाफ क्या क्या एविडेंसेस जाते हैं जिससे कि उनको या उनके साथ जो और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा दिलाई जा सके। तो जैसा कि संजीव जी ने बताया कि तीन जो कारें हैं उसका बहुत ही अहम रोल है और इसके बारे में भी जांच पूरी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कड़ी जुड़ रही है, तीन कारों की कड़ी। मर्सिडीज जो हाल ही में एनआईए ने बरामद की है उसमें से काफी अंदर से कैश भी मिला है, कुछ और भी सबूत मिले, फिंगरप्रिंट जरूर होंगे। तो तमाम जो तीन कारें हैं उसके बारे में विशेष एम्फेसिस दी है यहां पे जो डिटेक्टिव है। और आपको बता दें दोस्तों, जो डिटेक्टिव्स होते हैं और फेमस डिटेक्टिव है संजीव जी, जब वो जांच करते हैं तो बहुत ही छोटी से छोटी जो बारीकियां हैं वो सामने रखी जाती है, सबूत के तौर पर पेश की जाती है कोर्ट में। आपको बता दें बाल आप बनाते हैं अपने, और कंघे में अगर आपका एक बाल भी रह जाता है तो उस बाल से भी आपका डीएनए पता किया जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि सबूत कितना इंपॉर्टेंट होता है, छोटे से छोटे सबूत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं क्राइम सीन पर। और यही बात संजीव जी ने पूरे एपिसोड में जो एक मूल बताया है, बेस है उनका यही है कि यहां पर सुराग जो है, सबूत जो है, मिस नहीं होना चाहिए और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और इसके तार कहीं ना कहीं आगे तक जुड़े हुए हैं, एनआईए अगर पूरी तरह से डिगिंग करेगी इस मामले की तो कहीं ना कहीं पर्दाफाश जरूर होगा। और दोस्तों हम भी चाहते हैं एज ए कॉमन पीपल, हम भी चाहते हैं कि जो लोग स्मार्टली एक्ट करते हैं उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी अपराध कर सकते हैं और किसी को हवा नहीं लगेगी, वो इतना स्मार्टली एक्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जांच जब होती है तो छोटे से छोटे सबूत के आधार पर पुलिस अपराधियों तक पहुंच जाती है, और ऐसा इस केस में भी हुआ है। वाजे जो पहले इन्वेस्टिगेट कर रहे थे अब खुद ही क्राइम सीन में मेन मुलजिम बनके, जो एक्यूज बनके सामने आए हैं, और जांच के इतनी बारीकी से जो जांच हो रही है उसमें एक एक करके पर्दे खुल रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। विशेष तौर पर हमने डिटेक्टिव संजीव जी से बात की है क्योंकि लोग इस मामले के बारे में बहुत जानना चाहते हैं।
मामला जुड़ा हुआ है मुकेश अंबानी से, तो लोगों की क्यूरियोसिटी भी होती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। और हमारी कोशिश रही है कि इस पूरे प्रोग्राम में आपकी एक एक जो क्यूरियोसिटी है उसको हमने आपके सामने रखा है। संजीव जी ने जो है पूरी विस्तार से आपको बातें बताई हैं, तो उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। और आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।